लिया 20 मिनट में आवा तो ठीक है, हमारे काम में कोई जरूरत को नहीं, 5 मिनट में करते काम है, फिर भी गली है सीएम विधायक है, हमारे काम कोई वोट को नहीं, कुछ भी हो सका है आपको मार के टाइम मांगते रही हो, आपको मार्ग बेटे मांग लियो। प्रशासन को चेतावनी चाहते हैं कि डोबी गांव भी हमारे पड़ोसी गांव कांडेर के साथ है, आज दुख की घड़ी में जल्द से जल्द कड़ा फैसला ले, वरना इंतजाम जो होगा वो बुरा होगा। हमने तुरंत उस पोस्ट से हटा के लाइन हाजिर कर, आप उसका ऑर्डर देखना चाहो तो देख सकते हैं। हाँ, ऑर्डर लेंगे जी, उसकी कॉपी लेंगे जी। साहब उनके नाम और बता देते हैं। उनके एक एसएचओ है हमारे, दूसरे जो आईओ थे नाम सर संदीप सिंह तो एसएचओ है, रावत एएसआई जो है वो आईओ थे। ठीक है जी, ठीक है, और इंक्वायरी भी इसमें सेपरेटली करेंगे, और रही जो ये वाला मामला है इसमें भी सीआईए करेगी तफ्तीश, और तुरंत जल्द से जल्द, और आपकी नॉलेज के लिए कुछ लोग जो इसके जिम्मेदार रहे हैं उनको भी हमारी पकड़ में। ठीक है, वो सस्पेंड जो किया जी वो कॉपी दे दो जी, उसकी वो व्हाट्सएप कर ले भाई, इसकी वो फोटो कर ले भाई, नाम फोटो कर ले, क्या दिखा रहे सर, बहुत विश्वास करें अभी तो। ठीक है, ठीक है भाई, ये मीडिया के सामने तो एक कवरेज होगी, बयान भी हो गए सर के बावजूद। एक मिनट रुको, अपन ने जो बात करी है वो बात पूरी की, बात सुनो भाई, पहले मैं कहना चाह रहा हूँ, पहली जो कार्रवाई मांग थी सरपंच साहब ने जो मांग रखी थी सबने आश्वासन दिया, पहला ये हो गया। दूसरी बात बॉडी सौंपने की, हम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी सौंप देंगे, पर बॉडी का पोस्टमार्टम एक बोर्ड के माध्यम से जो कमेटी का गठन करके सर गठन करके उसके बाद ही होना चाहिए, और दाह संस्कार तब करेंगे हमें जब इसमें जितने भी इस केस में इन्वॉल्व है इस घटना को कर्म करने में जो दोषी है उनको गिरफ्तारी होने के बाद। बिल्कुल जी, एसपी एएसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी मांगे तुरंत मानने के लिए, और पुलिस डिपार्टमेंट का सबका धन्यवाद, लेकिन मैं सरपंच प्रतिनिधि के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जनाब हमको जितनी मिली है सब ठोकरी मिली है, हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, इस कारण ही हमारे को ये करना पड़ा। और बात रही आज इसके लिए मैं फिर रहा हूँ, अनिल फिर रहा है, कोई फिर रहा है, कल को जो इसके कराने वाले हैं कल हमको टॉर्चर करे, हमारे साथ कुछ गलत हो तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। बिल्कुल सही बात, चलिए सरपंच को डा दो, इसको नील को डा दो, ये आगे फैलाने लग रहे हैं, क्योंकि जो ये बात हुई ऊपर तक बात रही है, हमारे साथ कल होता है तो ये पुलिस जिम्मेदार रहेगी। नहीं, किसी के साथ सुनिए, किसी हाँ? के साथ अन्याय होता है तो आवाज जरूर उठानी चाहिए और शांतिपूर्वक, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को क्यों टारगेट करेंगे, आपके साथ कुछ ना इंसाफी हुई है तो आपको पूरा हक है आवाज उठाने का, और इसमें हम बिल्कुल भी, आप देखिएगा हमारी तरफ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो धन्यवाद आपने हमारी इतनी सुन ली। ठीक, लाइन हाजिर किया, इंक्वायरी चालू कर, लाइन हाजिर किया, लाइन हाजिर कर, थाने से हटा दिए, थाने से हटा दिए भाई, इंक्वायरी जारी है। देखो हर प्रकार की जो भी घटना घटती है उसमें स्टेप बाय स्टेप पे सीधी दर सीधी चढ़ा जाता है, उसी हिसाब से हमने टाइम दिया पहले प्रशासन को, प्रशासन नहीं माना तो आज हमें ये डेट होने के बाद करना पड़ा, मजबूरी होगी, पर आज अब अगर साहब ने जो आश्वासन दिया है जो कार्रवाई करी है हम आश्वस्त हैं और धन्यवाद है प्रशासन का। तो काबरेल मामले में जो एसएचओ है आईओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जिसके प्रशासन अधिकारी यहाँ से जा रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद साहब से आगे कार्रवाई के बारे में जो बातचीत की है, गरीब में इस परिवार का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भेज रहे सब आगे का क्या कार्रवाई रहने वाले, बताओ भाई काबरेल गांव से सरपंच साहब मौजूद है जो आगे कार्रवाई के बारे में क्या आश्वासन मिला और नमस्कार जी, एएसपी साहब का
उन्होंने कहा है कि उनको SHO को और रावत सिंह को मतलब लाइन हासिल कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बात रही हमारी, हम पोस्टमार्टम करवा लेंगे, इनके खिलाफ जो भी है इस चीज को पहुंचाने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम दाह संस्कार करेंगे, नहीं तो हम दाह संस्कार नहीं करेंगे, ये चीज फिर दोबारा कर लेंगे। और उसके बाद में पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं सुनी जाएगी, हम कोई बात नहीं सुनेंगे। जो भी बात हुई है मीडिया के सामने हुई है प्रहलाद सिंह, जो लेटर लिखे गए हैं जैसे कि देख सकते हैं सरपंच साहब ने कहा है कि अभी पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को भेज दिया जाएगा, उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी उस टाइम दिया गया पुलिस प्रशासन को। अब अगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है फिर से ये कार्रवाई दोबारा से ग्रामीण करने में हिचकिचाएंगे नहीं, फिर से दोबारा कार्रवाई करेंगे। बने रहिएगा अजमेर 24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब फॉलो करके अपलोड कर दीजिए। ने अपनी जो दो मांग थी वो रखी प्रशासन के सामने भी, एक तो जो दोनों बदतमीजी करी थी पंचायत की, सरपंच की और पूरी पंचायत की, उन दोनों को सस्पेंड किया जाए, अभी गैर हाजिर किया जाए, उनको दोनों को कर दिया है। लेटर बाकायदा लेटर है, आपको दिखाया भी गया है। और उसमें दूसरी बात जो पोस्टमार्टम की है, हम बॉडी पोस्टमार्टम के लिए सौंप रहे हैं प्रशासन को। हमने मांग की है भाई ये बोर्ड की एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी के थ्रू इसका पोस्टमार्टम राजेंद्र भाई का हो। और तीसरी बात यह है कि अगर प्रशासन जितने भी केस में इन्वॉल्व है, जिन्होंने ये घटना करी है, इस राजेंद्र के साथ मारपीट करी है, इतना बेरहमी से इसको मारा है, वो सभी गिरफ्तार होते हैं तभी ही हम वहां से बॉडी लेंगे और इसका दाह संस्कार करेंगे, अन्यथा नहीं। जो ये बात है वो आगे तक नहीं रही। एसपी साहब ने कहा कि कुछ को पकड़ लिया, आपको क्या लगता है कि पकड़ा हुआ है? हाँ, अब जो ये कार्रवाई चली है तो भाई अब कल सुबह पक्के में अखबार में आएगी, आपके माध्यम से बात चलेगी, तभी मैं विश्वास तो तभी करेंगे, क्योंकि इतने दिन तो ये बेविश्वासी बात कर रहे थे, आश्वासन ही दे रहे थे, वो भी झूठा, तो हम तो तब मानेंगे, अखबार में पक्के से आएगी भाई इतने गिरफ्तार हो चुके हैं, ये बात हुई है, ये रिपोर्ट लिखी गई है, और इसका जो दाह संस्कार है वो हम तभी करेंगे जब सभी के सभी गिरफ्तार हो जाएंगे इस केस में, जितने भी इन्वॉल्व है दोषी है वो। आपका नाम बताओ? मैं अनिल बेंदा, अखिल भारतीय किसान सभा, तहसील प्रधान, मंडी आदमपुर जी। धन्यवाद भाई।